आज हम जिमीकंद या शायद जिसे कंदमूल भी कहते हैं उसकी पैटीज बनाएंगे। आप इसे उपवास या व्रत में बनाकर खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आटा हम इसकी बाइंडिंग में यूज़ करेंगे वो रेगुलर आटा नहीं होगा। हेलो और स्वागत है आपका रेसिपीज यू लाइक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा थम्सअप दीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अपने बहुमूल्य कमेंट्स और सुझाव हमें देना ना भूलें। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर, ताकि आपको पता चले हर एक आने वाली वीडियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक पीस ले लिया है हमने यहाँ पर कंदमूल। इसका हम जो ये ब्राउन वाला पोर्शन है ये काट कर अलग कर देंगे। ये लगभग 250 ग्राम का पीस है। और इसे साफ कर लेने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह धो लेंगे, और इसके बाद हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप या तो इसे इस तरीके से कद्दूकस कर सकते हैं, या तो फिर फूड प्रोसेसर का यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया है। इसमें और डालने के लिए चाहिए होगा एक मीडियम साइज़ का आलू और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसे भी हम कद्दूकस कर लेंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने मिक्स बना लिया है कद्दूकस किया हुआ आलू अदरक और कंदमूल का, ये हमने 2 कप ले लिया इस बोल में। इसमें डाल दिया नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, या आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए कम या ज़्यादा, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, और डालेंगे आधा चम्मच अमचूर का पाउडर। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके लगभग हम 4 टेबलस्पून सिंगाड़े का आटा डालेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ सिंगाड़े का आटा यूज़ किया। आप उसके बदले कट्टू का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने 2 टेबलस्पून आटा डाल के मिक्स कर दिया। अब जो बचा हुआ आटा है वो भी हम मिक्स कर लेंगे। सब्जी में से अपना ही नेचुरल पानी निकलता है, तो हमें यहाँ पर पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो अब हमारा ये मिक्स है ये बिल्कुल गुद्दा हुआ आटा जैसा बन गया। इसकी अब हम पैटीज बना लेंगे। अगर आपको यहाँ पर कुछ चिपचिपा लग रहा है, हाथ में ये आटा मतलब ये जो सब्ज़ी है वो चिपक रही है, तो आप थोड़ा सा हाथ पे तेल लगा सकते हैं। हम ये सारे पैटीज तैयार करके रख लेंगे। और तेल हमने रख दिया है यहाँ पर गरम होने के लिए। तेल जब हमारा अच्छा खासा गरम हो जाए, अच्छा मतलब गरम हो जाएगा, तब हम इन पैटीज को तेल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। इन्हें हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। क्योंकि अभी बहुत सॉफ्ट हैं, इन्हें पहले हम हिलाएंगे नहीं। थोड़ी देर इन्हें तेल में तलने देंगे और फिर इन्हें हल्के हाथों से पलट लेंगे ताकि ये दोनों तरफ अच्छी तरह सिक जाए, मतलब फ्राई हो जाए। आप चाहें तो इसे ओपन पैन में, नॉनस्टिक पैन में कम तेल के साथ शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये कुरकुरी हो गई है। हम इन्हें इस तरीके से छानकर बाहर निकालेंगे। थोड़ी देर ऐसे ही छन्नी पर अगर रहने देंगे तो इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टपक जाएगा, और फिर आप इन्हें प्लेट में निकालकर सर्व कर सकते हैं। उपवास में तो हम सॉस नहीं खा सकते, ये दही के साथ खाने में बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार नवरात्रि के उपवास में इन्हें ज़रूर बनाकर खाइए और खिलाइए। और आपको ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको पता चले हर एक आने वाली वीडियो के बारे में। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।